अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम स्टैटिस्टिक्स की क्लास ले रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स के अंदर आज हम एक नया सवाल करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। तो आज जो हमारा सवाल होगा वो उसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। द नेम ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सवाल में क्या आएगा, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अच्छा जी, ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है जी। और हमसे कहा गया कि ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाने को कहता है तो आपने क्या करना होता है, बेसिकली तीन कॉलम्स बनाने होते हैं। पहला कॉलम बनता है जिसका नाम होता है क्लास इंटरवल्स, दूसरा कॉलम होता है टैलीज और तीसरा कॉलम होता है फ्रीक्वेंसीज। So we have three different columns. Class intervals, tallies and frequencies. अब हमें और क्या करना होगा? अच्छा, इसमें एक चीज रह गई, draw frequency distribution function of the following data taking size of class interval as 5। हाँ ले जाओ आगे यहां से। अच्छा जी, draw frequency distribution taking size of class interval as 5। अब इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू, और एक हमें चाहिए
लार्जेस्ट वैल्यू, एक हमें चाहिए स्मॉलेस्ट वैल्यू और एक हमें लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। तो आपसे मेरा सवाल ये, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा, सबसे छोटी वैल्यू इस डेटा के अंदर क्या है? ये बताइए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू इन द डेटा। लार्जेस्ट वैल्यू भी बताइएगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा इज 5 एंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन द डेटा इज 17। ठीक है जी, तो वी हैव बोथ द वैल्यूज, द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड द लार्जेस्ट वैल्यू 18। 17 नहीं है जी, 18 है। अच्छा 18 देख लेते हैं, ये 18 बिल्कुल सही आप लोगों ने गेस किया, 18 है जी, तो 18 कर दिया हमने और किसी को। हाँ ठीक है, अब जो हम क्लास इंटरवल बनाना शुरू करेंगे तो क्लास इंटरवल सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो क्लास इंटरवल विल स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज 5। अच्छा 5 से अब एक जो क्लास इंटरवल है वो कितने वैल्यूज कवर करेगा? 5। तो 5, 5, 6, 7, 8, 9, तो 5 से शुरू करेंगे इसको, ये 9 तक जाएगा। ठीक है ना, जो पहली क्लास बनेगी वो किस तरह 5 से शुरू होकर और 9 तक बनेगी, क्योंकि देखें जो सवाल ऊपर लिखा हुआ है आपने देखा ही है यकीनन कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई ड्रॉ फ्रीक्वेंसी, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया येलो से, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग डेटा टेकिंग साइज ऑफ क्लास इंटरवल एज 5। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है और उसके अंदर साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या रखना है, 5 रखना है। ठीक है, और शुरू कहां से होगा? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से। स्मॉलेस्ट वैल्यू से हमने शुरू किया तो 9 तक पहला क्लास इंटरवल बन गया। दूसरा हम शुरू करेंगे 10 से, तो 10, 11, 12, 13, 14, तो 10 से 14 तक। फिर 15 से शुरू करेंगे, 15 से शुरू हो गया 15, 16, 17, 18, 19 तक जाएगा। तो ठीक है, इस तरह ये क्या हो जाएगा, तीन अब इसमें बन गया हमारे पास क्लास। ठीक है ना, तो ये हमने पहला तो बना लिया कि भाई क्लास इंटरवल किस तरह बनेंगे। क्लास इंटरवल कैसे शुरू होगा? पहला जो क्लास इंटरवल है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से शुरू होगा। पहला जो भी क्लास इंटरवल है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से शुरू होगा और वो कहां तक जाएगा, जितने नंबर उसने क्वेश्चन में गिवन होगा, ये कि एक जो क्लास इंटरवल उसमें कितने नंबर कवर करना है, जितना वो कहेगा उतना ही नंबर हमें एक में रखने होंगे। अब उसने कहा द साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज 5, साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो है 5 है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसलिए यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, देखें अब टैली मार्किंग हम शुरू करेंगे। टैली मार्किंग हम किस तरह से शुरू करेंगे? टैली मार्किंग जो है वो इस तरह से होगी कि जैसे 9 को हमने हाईलाइट किया और 9 इसमें आ रहा, तो हमने इसमें ऐसे टैली मार्किंग हम करते हैं। ठीक है,
हमने हाईलाइट किया फाइव को, फाइव को हमने हाईलाइट किया, और ये यहाँ का आकर ये हो गया, देखें जी टैली मार्किंग इसको कहते हैं। अब ये सिक्स आया, सिक्स को हमने हाईलाइट किया, सिक्स को हाईलाइट करके सिक्स इसमें आ रहा है। तो अब ये सिक्स क्योंकि पांचवें नंबर पर आया है, उसका तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरे से ये होता है ऐसे 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 हो जाता, ठीक है। अच्छा सेवन सेवन ये यहाँ आएगा, सेवन एट एट आएगा ये, एट नाइन एक और आएगा वन, अच्छा जी सेवनटीन सेवनटीन कंट्रोल सी वी अच्छा जी, इसके बाद 15 और 15 आएगा लास्ट वाले में 15। अगला सवाल मैं आपको बोर्ड पे, शायद हम कल बोर्ड यूज करें। 13 और 11 एक ही में आएंगे, दोनों को हाईलाइट करते हैं, 13 और 11 13 और 11 इसमें आएंगे। नाइन आ गया, सिक्स और एट, सिक्स और एट दोनों एक ही में आएंगे, सिक्स और एट, ठीक है। टेन ट्वेल्व, टेन और ट्वेल्व भी एक ही में आएंगे दोनों, टेन ट्वेल्व फोर्टीन फोर्टीन, ठीक है भाई। अभी कितना हो गया, चार पांच नौ, अब ये क्या चैट में क्या लिखा हुआ देखते हैं। वेरी गुड, जिन्होंने डिलीट कर लिया। तो हाउ मेनी नंबर्स वी हैव, तीन दो पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस, तो पांच पांच दस चार चौदह, छ पांच और पांच दस, ठीक है जी, तीस। अच्छा ये चार और पांच ये जो है ना, ये फिर ये एक यहाँ नहीं आएगा, बाकी यहाँ आएगा, अब देखें ये नंबर तीस थे तो ये भी हमारा तीस ही आना चाहिए था। आ रही है समझ में आपके, ये 30 तो ये भी 30, इस तरह से ये सवाल सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो सवाल था, ये पूरा हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अच्छा आई होप कि आपके बात क्लियर हुई होगी। अच्छा कोई है जो, अगर हमारा कोई न्यू स्टूडेंट अगर कोई है क्लास में तो वो मुझे जरूर बताए। इफ देर इज एनी न्यू स्टूडेंट इन द क्लास जिसकी आज पहली क्लास है तो अपना रेज हैंड कर ले वो, या तो ठीक है ना। आई थिंक सारे पुराने, हबीबा बेटा आप अपना बताइएगा, और जो भी अब अकार आई थिंक सारे पुराने ही हैं, कोई भी न्यू मेरे ख्याल से नहीं। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, क्या नहीं हुई भाई, क्या कह रहे हो तुम। देखें जी अब मैं इसको ओवरऑल कंप्लीट करूं, देखें अब हमने क्या किया, ये जो हमें येलो में पूरा दिया हुआ है ये सवाल, एज इट इज हमें सवाल क्वेश्चन दिया एग्जाम्स के अंदर,
और हमसे कहा कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप बनाएं। तो हमने क्या करा, अच्छा उसने क्या कहा, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग डेटा टेकिंग साइज ऑफ क्लास इंटरवल एस फाई, कि भाई ये डेटा है इसको लें और इससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाएं और साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या ले लें, फाइव ले लें। यानी जब उसने ये कहा है कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल फाइव ले लें, इसका मतलब ये है कि हमें एक जो हमारी क्लास इंटरवल है उसके अंदर पांच नंबर्स लेने। अब देखें स्मॉलेस्ट वैल्यू फिर हमने देखी और लार्जेस्ट वैल्यू देखी। स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास अभी फाइव, ठीक है ना, जब स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइव आ गई तो जो पहला क्लास इंटरवल था हमने वो फाइव से ही शुरू किया। अब टोटल नंबर कितने लेने, टोटल नंबर हमें फाइव लेने। क्यों फाइव लेने, क्योंकि ये देखें ये जो लिखा हुआ है क्या साइज ऑफ क्लास इंटरवल फाइव होगा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल फाइव होगा, इसका मतलब यह है कि एक क्लास इंटरवल पांच नंबर कवर करेगा, ठीक है ना। तो पांच छ सात आठ नौ, पांच छ सात आठ नौ, तो अगर पांच से लेकर नौ तक हम देखें तो ये पांच नंबर हो गए, तो ये साइज ऑफ क्लास इंटरवल हो गया फाइव। इस तरह पांच से नौ तक, अच्छा क्योंकि पहला क्लास इंटरवल हमने नाइन पर रोका तो दूसरा हमने टेन से शुरू किया, अगर ये नौ पर खत्म हो रहा तो दूसरा टेन से शुरू होगा, तो टेन से शुरू करके फोर्टीन हमने फिर देखें दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, चौदह तक गया, फिर अगला हमने पंद्रह से शुरू किया, पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस। अच्छा हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू थी वो तो अठारह थी, लेकिन क्योंकि साइज ऑफ क्लास इंटरवल की खासियत ये होती है कि तमाम जो क्लास इंटरवल्स होते हैं सबका साइज सेम रखा जाता है, इसलिए सबका साइज हमने सेम रख लिया, ठीक है ना। इस तरह ये हमारे पास अच्छा फिर क्या हुआ, फिर एक एक नंबर जैसे नाइन आया, नाइन हमने पहले वाले में पढ़ा, पहले में हमने एक टैली मार्क लगा दिया, ठीक है ना। टैली मार्क का तरीका भी आपको बता चुका हूँ, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, और जो पांचवा होता है वो पांचवा हम इसमें क्रॉस में लगाते हैं। जब चार ऐसे मतलब लाइनें लगाते हैं वर्टिकल और जो पांचवी लाइन होती है वो इस तरह से इसको क्रॉस करके लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसा कि अभी तो वन टू थ्री फोर फाइव, अच्छा इसी तरह पांच के बाद अगले पांच इसी तरह इसके बराबर में आ जाएंगे, इसी तरह एंड सो ऑन। अच्छा तो फिर हमने एक एक करके इसको हमने हाईलाइट करते गए और यहाँ पर टैली मार्किंग करते गए। अब कितनी टैलीज हो गई, पहले में 10 फिर 14 फिर 6 और इस तरह टोटल 30 हो गया। ये और ये नंबर्स बराबर होना चाहिए, ये नंबर भी हमारे पास 30 थे 30 थे और ये भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आया वो भी 30 आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हमने सवाल बिल्कुल सही किया है। अच्छा आई होप कि आपको बात अब क्लियर हुई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, माइक खोले, आपका माइक खोले अभी खोलते हैं। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, अभी मैं आपको दूंगा क्वेश्चन जो कि एक या दो सवाल मैं आपको दूंगा एंड यू विल हैव टू कंप्लीट। अच्छा हाइट आपने बोला कि मैं आपको माइक खोलूंगा, अभी खोलते हैं माइक। हेलो हाइट, हेलो सर, ये फ्रीक्वेंसीज जो होते हैं ये नंबर्स इतने टेबल में आ रहे होते हैं वो लिखते हैं ना, जैसे 10 नंबर्स आ रहे हैं 5 टू 9 की कैटेगरी में 10 नंबर्स आ रहे हैं ऊपर वाले टेबल से, ऐसा ही है ना। देखें दोबारा बोलें आप जरा एक मिनट पहले। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने 10 लिखा है फ्रीक्वेंसी में, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो हमने 10 लिखी है, इट मींस 5 9 के बीच में 10 नंबर्स आ रहे हैं, 5 और 9 को इंक्लूडिंग 10 नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन 11 आ रहे हैं ना। अच्छा 11 आ रहे हैं, हाँ तो भी देखो फिर ये गलती हो सकती है। अच्छा देखते हैं, देखें 9 एक हो गया, जरा हाइलाइटर चेंज कर लेते हैं इसका, ये कर लेते हैं 9 5 और 9 के एक, ये नंबर हो गया एक, और 5 और 9 के दरमियान ये आ रहा है और ये आ रहा है दो, ठीक है दो एक दो तीन हो गए, 5 और 9 के दरमियान ये नंबर भी सारे आ रहे हैं, तीन हो तो पाँच, पाँच तीन आठ हो गए, ठीक है ना, और ये नौ हो गए 9 और ये 10 और ये 11, यस यू राइट 11 11 नंबर ये आ रहे हैं 5 और 9 के दरमियान। अच्छा फिर 10 और 14 के दरमियान कितने आ रहे हैं, ये भी हम दूसरे हाइलाइटर से देख, 10 और 14 के दरमियान, अच्छा ये 10 और 14 के दरमियान ये दो हो गए, इसका हाइलाइटर चेंज कर लेते हैं ताकि और हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला लग रहा है 10 और 14 के दरमियान दो हो गए, 10 और 14 के दरमियान 10 और 14 10 और 14 के दरमियान ये तीन हो गए, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है लेकिन ये अभी तो चल जाएगा, लेकिन एग्जाम्स में चलना मुश्किल हो जाता है इसलिए मैंने इस तरीके से नहीं करा है। अब हम चौक क्रॉस चेक कर लेते हैं, 10 और 14 के दरमियान ये दोनों नंबर भी आ जाएंगे, है ना। अच्छा अच्छा 10 और 14 के दरमियान 10 और 14 के दरमियान ये दोनों नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है, और 10 और 14 के दरमियान ये तीनों नंबर भी आ जाएंगे।
तो ये होगा 11, ठीक है। अच्छा अब ये हरे वाले नंबर 3 और 5 और 7 और 10 और 12, ये 12 हो गए, तो ये 23 हो गए, तो ये 7 होने चाहिए, 2 2 4 5 6 7, तो ये 7 हो गए। अच्छा देखें टोटल तो अभी भी 30 आएगा, तो हमने फिर मिस्टेक की थी, तो ये भी इसका तरीका था। फिर ये क्या होना चाहिए, ये भी 11 ही होना चाहिए, टैली मार्किंग में भी हम इसको 11 इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर ये 12 है, तो हम इसको, इसमें हमने गलती की थी, ये 12 ज़्यादा लिखा था, ये 12 हो गया, ठीक है। और ये 6, तो इसको हमने 7 कर दिया, ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट हो गया। अच्छा ये तरीका भी सही है कि अगर मैं इस तरह से आपको हाईलाइट, लेकिन ये मैं एक्सेल में बता रहा हूँ, कल जो है ना हम बोर्ड पे एक सवाल करेंगे इंशाल्लाह, ताकि बोर्ड पे जब हम करेंगे तो एग्जैक्टली उसी मैनुअल तरीके से होगा, तो एक आध सवाल बोर्ड पे भी करा देता हूँ। चलें आई होप कि आप बात क्लियर हो गई होगी, क्या देखें इस, यानी कि दोनों तरीके आपने देख लिए, एक एक करके हाईलाइट करके आप टैली मार्किंग करते रहो या इस तरह से टैली मार्किंग कर दो। अब ये मेरे लिए इस वक्त बड़ा आसान था कि मैंने देखें 3 डिफरेंट कलर से मैंने इसको मैंशन कर दिया, एक रेड और एक ग्रीन और एक येलो, लेकिन आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप जो है मैनुअल करेंगे ना, आप तो रजिस्टर पे आपको करना होगा, एग्जाम भी इसी तरह करना है, तो अगला सवाल हम इसी तरह करेंगे कल इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और सवाल अगर आपका हो तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है और किसी भी वक्त हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी। अच्छा अब मैं आपको कुछ काम देना चाह रहा था, तो एक काम करिएगा, दोबारा आईडी पासवर्ड अभी जैसे ख़त्म हो दोबारा आईडी पासवर्ड लेकर दोबारा आइएगा, मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, कल के लिए होमवर्क दूंगा, दोबारा आईडी पासवर्ड, सेम आईडी पासवर्ड फौरन डालिए और फौरन आएंगे, अभी ये मीटिंग बस एंड हो रही है, एक मिनट के अंदर अंदर फौरन आईडी पासवर्ड आप डालेंगे और दोबारा से आप ज्वाइन कर लेंगे, फौरन ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, सेम आईडी सेम पासवर्ड। अच्छा अब मैं आपको काम देता हूँ, 30-30 नंबर पे दूंगा, अगर स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कोई किसी से नहीं लिखा है फौरन स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो